Welcome. In this video, we have to calculate about the ratios of retirement of partnership. देखो retirement of partnership के ratios calculate करने के लिए कुछ important बातें होती है, जैसे कि आपने देखा रहेगा admission as partner में new partner business में आता है और retirement में जो old partners है उसी में से एक person business छोड़ के जाता है, retire होता है। अब इसे आप ये कह सकते हो चाहे वो वॉलंटरी रिटायर हुआ है या चाहे वो अपनी मर्जी से रिटायर होकर जा रहा है, ठीक है। जब भी रिटायर होता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है जो कंटिन्यूअस पार्टनर है उनके रेशियोस। तो उनके रेशियोस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ रूल्स हैं, तो उसी के बारे में हम इन ये वीडियो में बात करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियोस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। जनरली इसके अंदर फोकस करना कुछ बातें होती है, क्या क्या आपको इसमें कैलकुलेट करना है। एंड जब भी कोई नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर के समय पर वो क्या क्या लेके जाता है। तो सबसे पहले आपका स्टेप नंबर वन है वो लेके क्या क्या जाएगा अगर रिटायर हो रहा है। तो स्टेप नंबर वन, रिटायर के सामने जैसे अपना कैपिटल, तो जो भी कैपिटल होगा हो सकता है वो लेके जाए, ठीक है। गुडविल के चांसेस है लेके भी जा सकता है। एंड जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, कंटिन्यूअस पार्टनर है, उनको दे भी सकता है। देन आफ्टर आप जनरल रिजर्व, ये पार्टनर लेके जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लेके जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड लेके जा सकता है। एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है, एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस ये लेके जा सकता है। तो इन सभी में उसका कैलकुलेशन करना है। एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर यू हैव टू पुट ऑल दिस इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब जो है इसमें क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आएगा, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट में आप जब पढ़ोगे तो इस बातों का ख्याल रखना है आपको, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। देन आफ्टर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कैलकुलेट करना है। स्टेप अगला मैं ले लेता हूँ, स्टेप नंबर टू। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें दी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो इज फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओके। क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो उसके लिए कैलकुलेशन बनता है। आप याद रखना जो भी आपका ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज गिवन इनटू द क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो इज नॉर्मली फॉर द पार्टनर ऑफ ओल्ड, यानी कि ओल्ड पार्टनर का ही ओल्ड रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो यहां पे ओल्ड रेशियो आपका बन जाएगा न्यू रेशियो। डायरेक्टली आपको ले लेना है न्यू रेशियो। एंड याद रखो न्यू रेशियो जो भी होगा वो सिर्फ कंटिन्यूअस पार्टनर का होगा। सो हियर डोंट टेक द रिटायर्ड पार्टनर एज द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज ओनली फॉर रिमेनिंग पार्टनर, ओनली फॉर रिमेनिंग पार्टनर विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस पार्टनर, ठीक है, कंटिन्यूअस पार्टनर को भी कहेंगे हम। एंड आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ न्यू रेशियो
always will equal to new ratio is equal to always a new ratio. ज्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है, ओल्ड रेशियो ही आपका न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो कंटिन्यूअस पार्टनर का हो सकता है एंड न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ओके। तो आपको इतना बात समझ में आया होगा। एंड द जनरल एंट्री बिकमिंग ऑफ दिस, तो जनरल एंट्री जो होगा पार्टनर्स सस्पेंस कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका जनरल एंट्री। सो आपको समझा होगा स्टेप नंबर टू। एंड थर्ड स्टेप हम फाइंड आउट करते हैं, थर्ड स्टेप देखना जरा यहां से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर थ्री, आपको फाइंड आउट करना है अगर क्वेश्चन में रेशियोस दिया है तो क्या होगा, तो इस जगह पे आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके। तो इस जगह पे आपको न्यू रेशियो दिया है, दैट मींस रियल रेशियो न्यू कंटिन्यूअस पार्टनर का दिया रहेगा, आपको सिंपल निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू, अब गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा आप याद रखना, गेनिंग रेशियो के जो भी फॉर्मूले बनेंगे ये आपको कैलकुलेट कर आएगा गेनिंग रेशियो इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हो गया गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ के गेनिंग रेशियो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इसका जो जनरल एंट्री होगा, जनरल एंट्रीज होंगे वो जनरल एंट्रीज नॉर्मली जैसे यहाँ पे आपने सस्पेंस लिखा वैसे यहाँ पे आपको लिखना है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया आपका डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये हो गया आपका जनरल एंट्री, तो आप याद रखो ये सब यूज होगा। एंड थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपको कैलकुलेट करना है। एंड उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो भी डिक्रीज हो रहा है पार्टनर, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है लेके जाएगा, तो एट द एंड में जब भी आपका बैलेंस बचने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसको आपको दो तरीकों से सेटलमेंट करना है। तो स्टेप नंबर फोर हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर फोर, सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ रिटायर पार्टनर, ठीक है, रिटायर पार्टनर। तो इसके बैलेंस को किस तरीके से सेटल करेंगे, दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता है यू हैव टू सेटल बाय पेइंग द कैश, यानी कि उसका जो बैलेंस है आप कैश दो, रफा दफा करो, काम खत्म करो, तो बाय पेइंग द कैश, ठीक है, कैश आपने दे दिया काम खत्म, जाकर के। दूसरा, अगर बिजनेस के पास कैश नहीं तो इस केस में इसको किस तरीके से सेटल किया जाए, तो ये मान के चलता है बिजनेस अगर मेरे पास कैश नहीं है तो सीधा सीधा उसके बैलेंस को आप उधार मान लो। उधार मानने का मतलब है यू हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ रिटायर पार्टनर बैलेंस इन लोन्स,
तो लोन मांग लिया जाता है और उसको उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये हो गया आपका सेटलमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स रेशियो। एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नॉर्मली क्या आएगा, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले आपको निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट, सेम एज इट इज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। एंड सेकेंड स्टेप इज गुडविल निकालना, गुडविल इक्वल टू गुडविल इक्वल टू ये होगा गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, या फिर मैं पहले आप ये निकाल लो गुडविल ऑफ फर्म, एंड थर्ड स्टेप इज गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। इक्वल टू, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म ये आप करोगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, और गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर जो होगा, गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग रेशियो ऑफ रिटायर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग रेशियो ऑफ रिटायर पार्टनर। तो यह करोगे जब कैलकुलेट तो आपको आ जाएगा गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर। तो ये सब होगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। तो इतना सा आपके लिए रेशियोस इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटायर रेशियोस ऑफ रिटायर ऑफ पार्टनर, ठीक है।